कर्नाटक का हरा भरा क्षेत्र कोडागु और जिला परिषद कोडागु के तहत आती है ग्राम पंचायत तिथिमती। ग्राम पंचायत तिथिमती की निगरानी में बच्चों के लिए चल रहा है मरूर आश्रम स्कूल। ग्राम पंचायत तिथिमती ने ई बेस एजुकेशन यानी ई आधारित शिक्षा शुरू करके पिछले कुछ ही सालों में स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। सन 2016 में सीईओ जिला परिषद कोडागु की देखरेख में जब ई बेस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई तो इतने सुखद परिणामों की उम्मीद यहां के निवासियों को नहीं थी। माथेगोड़ इलाके में अधिकतर माँ बाप शुरू में इस बात से खुश नहीं थे कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं। लेकिन ग्राम पंचायत ने यहाँ के लोगों को समझाया कि ई का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है बल्कि ई का अन्य अर्थ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण भी है। ई बेस एजुकेशन सिस्टम को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय पंचायत ने ऐसी ही एक ग्राम सभा में ग्रामवासियों को विश्वास में लेकर किया था क्योंकि कोडागु देश के सबसे प्रतिष्ठित जिलों में से एक है। किंतु यहाँ रह रहे जनजातियों का सामाजिक पर्यावरण विकास यानी सोशल इको डेवलपमेंट बहुत कमजोर है। इस बड़े विभाजन के कारण ये आवश्यक हो जाता है कि इन जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर विकास के अधिक अवसर मुहैया करवाए जाएं। सन 2016 के बाद स्कूल का नक्शा ही बदल गया जब ग्राम पंचायत तिथिमती ने स्पेशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल अफेयर्स द्वारा दिए गए 25 लाख रुपए के वित्तीय सहयोग से कई विकास कार्य किए। पहले पहल बच्चों की संख्या महज 70-80 थी मगर अब ये संख्या 250 तक पहुंच गई है और लगातार बढ़ती जा रही है। एक सपना था जो धीरे धीरे सच हो रहा है और ग्राम पंचायत को पूरी उम्मीद है कि ये संख्या 500 तक पहुंचेगी। ये बात और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 90% छात्र छात्राएं शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों से हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, खेलते कूदते हैं और खुद ही पढ़ने बैठ जाते हैं। कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, ई बेस के जरिए सीख रहे हैं। उसी पैसे से पुरानी इमारत की जगह अब नई इमारत बन चुकी है। पुराने हॉस्टल की जगह नए हॉस्टल का निर्माण पूरा हो चुका है ताकि पास के गाँव से ज्यादा बच्चे यहाँ आकर रहें और इस आवासीय स्कूल में पढ़ाई कर सकें। स्कूल के प्रांगण में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एम्फीथिएटर का निर्माण भी किया गया है। बच्चों के लिए बाहर खुली कक्षाओं का निर्माण किया गया है जहां बारिश के दिनों में भी कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। बारिश जब नहीं होती तो यहां पर सोलर पैनल के जरिए पानी गर्म किया जाता है। बारिश के दिनों में इसके लिए गुजरात बॉयलर की व्यवस्था है। यही नहीं बरसात के पानी को उपयोग में लाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। बच्चों में प्रकृति के लिए जो संस्कार मौजूद हैं, उसे सहेजते हुए उन्हें कंप्यूटर एवं अन्य आधुनिक तरीकों से अवगत करवाया जाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत ने इस अनूठे स्कूल को चलाने में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब बनाया गया, कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई जिससे बच्चों ने सीखने के नए तरीकों और माध्यमों को जाना। 5वीं कक्षा के बाद बच्चों को कंप्यूटर लैब में सिखाया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रयासों से ही योग्य कंप्यूटर टीचर्स की नियुक्ति हुई है। कंप्यूटर सीखने में इनका मन लगता है, कंप्यूटर के बारे में बताओ तो तुरंत समझ जाते हैं। हर बच्चा चाहता है कि मैं सीखूं। यहाँ पर उन्हें सीखने का मौका और माहौल दोनों मिलते हैं। बच्चे जो सीखते हैं उसे याद रखते हैं, अगले दिन पूछने पर सब बताते हैं और आपस में भी एक दूसरे से पूछते सीखते रहते हैं। हमसे भी बहुत सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कंप्यूटर कैसे ऑन ऑफ करना है इन्हें एक बार बताओ, ये सब कुछ याद रखेंगे। सालों से चले आ रहे सरकार के नल्ली कल्ली कार्यक्रम को और भी रुचिकर बनाने के लिए कक्षाओं के माहौल में और भी ज्यादा सुधार किया और इस काम को अंजाम दिया ई बेस कोडागु के फेलोशिप प्रोग्राम के तहत नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स ने। दूसरी एवं तीसरी कक्षा तक के छोटे बच्चों को चित्रों, गीतों और कक्षा खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जाहिर है इसमें इन नन्हे बच्चों का दिमागी और मानसिक विकास निहित है। टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर जो लिखकर बताते हैं, क्लास के बाद बच्चे उन्हीं अक्षरों को ब्लैक बोर्ड पर ही लिखकर सीखते हैं। कक्षा की सभी दीवारों पर बच्चों के कद के अनुसार ब्लैक बोर्ड पेंट किए गए हैं।
ऐसा करने से कागज की बचत तो होती ही है, बच्चे भी जल्दी सीख जाते हैं। अब टून मस्ती क्लास में बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है। आए भी क्यों ना, बच्चे कार्टूनों के जरिए नई नई चीजें सीखते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि बच्चों को जिस चीज में मजा आता है उसे बच्चा कभी नहीं भूलता। ये अक्षर ज्ञान भी ये बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। ग्राम पंचायत के कार्यालय में आंगनवाड़ी के जरिए नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ग्राम पंचायत जॉय ऑफ लर्निंग यानी सीखने के आनंद को पहली बार ये नन्हे मुन्ने यही महसूस करते हैं। मनुष्य एवं प्रकृति के बीच की दूरी मिटाने के उद्देश्य से ही ग्राम पंचायत समय समय पर बच्चों के लिए बहुत सी शैक्षिक यात्राओं का प्रबंध भी करती है। स्कूल में स्वच्छता के लिए भी बच्चों को जागरूक किया गया है। स्कूल के सब बच्चे अपने स्कूल की सफाई स्वयं करते हैं। ग्राम पंचायत के सहयोग से बच्चों को स्कूल में ही भोजन दिया जाता है। बच्चे भोजन के बाद अपनी थाली खुद साफ करते हैं। थाली में बच गए भोजन को पशुओं के लिए एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। नई इमारत के साथ ही पुरानी इमारत को भी स्वच्छ रखा गया है। आश्रम स्कूल में बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट एवं जल संरक्षण सीख रहे हैं और उसे अपने जीवन में भी ढाल रहे हैं। बच्चे स्कूल के भीतर भी सफाई करते हैं, साथ ही साथ गांव के सफाई अभियान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अक्सर समाज बच्चों को बनाता है, मगर ये वो बच्चे हैं जो समाज को बना रहे हैं। कंप्यूटर के साथ पर्यावरण को जोड़कर ग्राम पंचायत तिथिमती ने नए आयाम खोल दिए हैं। बच्चे प्रकृति के साथ रहते आए हैं, किंतु प्रकृति को समझने का दृष्टिकोण उन्हें स्कूल से मिला है। एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल से भी उतना ही प्यार करता है जितना कंप्यूटर से, ऐसा मनुष्य जो पेड़ भी उगाना चाहता है और तकनीक में भी पीछे नहीं है। डिजिटल एवं स्वच्छ भारत की संपूर्ण परिकल्पना हमें यहाँ साकार होती नजर आती है। ये वो बच्चे हैं जो हर तकनीक को सीखेंगे और अपनी संस्कृति को भी सहेजते हुए यूं ही झूमते हुए भविष्य में कदम रखेंगे, क्योंकि इनके लिए ई फॉर एलिफेंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है और एनवायरमेंट भी है।